हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये सैमसंग का सेल फोन है, मतलब कोई भी सेल फोन हो सकता है, आपको बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका डिस्प्ले जो है कि ख़राब हो गया है। तो ये हम आपको बता दें कि इसका डिस्प्ले बिल्कुल सही है, कोई भी इसका डिस्प्ले ख़राब नहीं हुआ है। तो आपको जो है कि आज एक नया वीडियो बनाना था मुझे, कुछ अलग हटके, तो इसीलिए हमने इस तरह से ये वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको ब्लैंक दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, और इसका हालांकि भी हमने टच लगाया नहीं है, टच भी इसके बाद हम लगाएंगे। वीडियो भी बना रहे थे कि हमने कहा पहले वीडियो बना लेते हैं फिर टच इसमें लगाएंगे। तो इसमें हम लोग को आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए दिख रहा है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे पास एक चश्मा है जो कि एक नॉर्मल चश्मा है, हमने बना कर रखा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, जैसे इस साइड से देखेंगे इधर से नहीं दिख रहा है आपको। तो इसका टाइमिंग बहुत कम है, लॉक है, देखिए जल्दी ऑफ हो जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, अब आपको ये दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए कि हर एक मोबाइल के साथ अलग से चश्मा आए, कि आप चश्मा लगा के आप ऐसे देख सकते हैं, चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी काम, जैसे कि आप नॉर्मली जो भी आप इस समय करते हैं वो सारा कुछ आप इस समय, उस समय कोई चाहता है कि हमारा सेल फोन जो है कि सेफ हो, और हम जो भी कुछ चैट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम चला रहे हैं, तो वो सिर्फ हमें तक पता हो। यहाँ तक कि आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो कोई नहीं चाहता कि हमारा फ्रेंड या कोई भी किसी को भी कुछ भी पता चले, देख सके, या घर पर आप आराम से बैठ के चैट कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ किया क्या है, पहले ये आप समझने वाली बात है, ये समझ लीजिए। तो इसके ऊपर जब भी डिस्प्ले के ऊपर एक लेयर होता है फिल्म का, तो ये फिल्म लेयर हमने इसको हटा दिया है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने इसको ऐसे लगाया तो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ तक फिल्म लेयर है वहाँ दिख रहा है, बाकी फ्लैम दिख रहा है। तो हमने इसका लेयर बाकी जो है अपने इस चश्मे के एक साइड में हमने ऐसे ही लगा दिया है, अभी उसे हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो फिक्स कर दिया है, तो फिक्स कर दिया है, तो इसलिए दिख रहा है। और दूसरे साइड से देखिए, इसलिए ब्लैंक दिख रहा है, इस साइड से दिख रहा है, दूसरे साइड से ब्लैंक दिख रहा है, तो इसका रीज़न यही है। तो ऐसे जो है कि इसका काम क्या होता है कि डिस्प्ले तो पूरा वर्क करता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, जो हमें अच्छे से दिखता है प्रॉपर, वो दिखने का काम इसका इसका है, और इस लेयर का, इस लेयर को हमने हटा दिया है। तो इस लेयर को हटा दिया है, अब इसके ऊपर आप टच लगा लीजिए, और कोई भी चीज़ आप की भी की वगैरह कोई भी चीज़ टच करना चाहें, कोई भी चीज़ यूज़ करना चाहें, तो वो यूज हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपका समझ लीजिए ये सेल फोन है, और आप एक ये चश्मा लगाइए, और आपको सब कुछ क्लीन दिखेगा, चश्मा लगाते ही सब कुछ आपको क्लीन दिखेगा, और आप यूज कर लीजिए जैसे यूज करना चाहें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट भी करिएगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा फीचर्स कोई आ जाए जल्दी,